हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया बढ़िया। होंगे। और आज एक्चुअल में हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली सब मिलके, मतलब मैं, मम्मी पापा, गुड़िया, सपना, हम लोग त्रिनेत्र गणेश जी जो है ना, मतलब रणथंभौर वाले गणेश जी, वहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है। तो बस उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि गणेश जी महाराज वहाँ कैसे हैं, मतलब कैसा पाथ है, कैसी जगह है, वो पूरा दिखाएंगे आपको। तो फिर अभी आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे। तो फिर चलो चलते हैं हमारी दुनिया में। हम लोग बस अब निकल दिए हैं। पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग निकले हैं। एक्चुअल में हम लोग नेक्सॉन नहीं ले जा रहे, क्योंकि मुझे ड्राइव करने का कोई शौक नहीं है 1% भी। पापा को ड्राइव करनी है, पापा उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। पापा ने बहुत कम चलाई है, दैट्स वाई हम लोग अमेजी जा रहे हैं। और पहुँच जाएंगे, वो 3 घंटे लगेंगे ना, 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे 3 घंटे लगेंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं, 150 किलोमीटर के समथिंग है यहाँ से, मतलब गणेश जी टेम्पल। तो हम लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, एक्चुअल में उनियारा पहुँच गए हैं। अब यहाँ से लगभग लगभग 1.25 घंटे का रास्ता और है, 1.25 क्या 1.5 भी लग सकते हैं, क्योंकि मौसम भी वैसे ही खराब है। घंटा हाँ, 1 घंटा भी, 1 घंटे से कम, 1 घंटा से कम लगेगा। 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है लगातार, रुक रुक के जगह जगह मिल रही है हमको बारिश। यार बढ़िया नज़ारा है, परंतु पता है बढ़िया नज़ारा सिर्फ हमको अपनी आंखों से लगता है। अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, अभी तक तो थोड़ा डिस्टेंस लगभग 30-35 किलोमीटर का, और बारिश अच्छी खासी स्पीड से हो रही है। लगता है तो मंदिर के वहां भी बारिश मिलेगी हमको। क्या बोलता है मुन्ना, हम लोग पहुंचेंगे ना अच्छे से? पहुंच जाएंगे हम लोग। हम लोग रणथंभौर पहुंच गए एक्चुअल में। अब शायद 10 से 1 किलोमीटर का ये बीच में फॉरेस्ट का इलाका है, तो इसमें होके निकलेंगे फिर मंदिर के वहाँ पर, मतलब वहाँ तक सीधा ऐसा ही रूट रहेगा, दोनों साइड जंगल। आज पूरा मौसम भी बहुत शानदार रहा, जैसा कि रास्ते में मैंने आपको दिखाया कई बार। हम लोग एक्चुअली वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से है ना, मंदिर जाने का एक जंगल में रास्ता जाता है, अब जाम लगा हुआ है तो यहाँ पुलिस ने रोक रखा है। बोल रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, जाम खुलने पर ही जाना होगा। तो यहाँ से एक्चुअली इधर से रास्ता जा रहा है पीछे की तरफ, पूरा जंगल मुते मंदिर का जो रास्ता, देखते हैं, वेट करना पड़ेगा। मुश्किल से नंबर आया है इस पतले से रोड पर, आज जाम लगा, भीड़ वाला दिन है बिल्कुल, शनिवार, संडे, वेडनेसडे। अब ये बहुत मुश्किल से एंट्री मिली है 1 घंटा वेट करने के बाद में। अभी देखते हैं आगे कैसी कंडीशन मिलती है। आज तो लोग पैदल भी जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि अब बेचारे क्या करें, पैदल जाने मजबूर हैं। इनका टैक्सी सिस्टम तो फेल है, यहाँ दोनों साइड जंगल है। वैसे एक बात है, बहुत ही गजब का दृश्य है, मतलब जंगल के एकदम बीचों बीच एक पतली सी रोड, दोनों साइड से वाहन आ रहे हैं, मतलब आ रहे जा रहे हैं। बता रहा ना, 8 बजे तक तो खुला रहता है ये साइड। क्या नजारा है, देखो पहाड़ ऊपर, खड़े पहाड़ हैं, सीधे किले किला बनाया है ना इसको, गेट आ गया, एक किले का गेट आ गया, किले का नहीं ये है, ये रणथंभौर का ही गेट। झरना सा बह रहा है, पानी भरा, दब गई क्या गाड़ी? दब गई, बंद हो गई गाड़ी, इसलिए दब गई, फोर्थ में गियर में चल रही है। गियर बदलो पापा, फर्स्ट गियर में चलेगी, ऊंचाई है ना, चढ़ाई चल रही है। पापा इधर से रास्ता नहीं है, नीचे नीचे नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए हैं, पार्किंग में लगा दी गाड़ी और अब मंदिर में जाना है ऊपर की तरफ। फिर खुद क्या एक्सप्लोर करेंगे, पापा बोल रहे हैं सब कुछ यूट्यूब पे देख के आना चाहिए था। सामने रूट अब इस तरह का है, सीडीओ वाला पूरा। क्या व्यू है देखो सामने से, ये है रणथंभौर नेशनल पार्क। अब इसमें दिखाते हैं शेर कई बार ये पानी पीते हैं। चलो पूरा गजब व्यू है।
थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी को बैठा दिया हमने। लगभग लगभग यार काफ़ी रास्ता कवर कर लिया है। सामने का व्यू देखो भाई। टॉप पे आ गए हम लोग। अब प्लेन रास्ता नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत और चढ़ाई हो सकती है। बाकी ये रास्ता ऊपर छतरी को जा रही है, 32 खंभों की छतरी, पता नहीं कौन सी छतरी। इधर ये सामने मंदिर है, गणेश जी का मंदिर और कई लक्ष्मी नारायण मंदिर टेम्पल्स हैं। राइट साइड में मेन रूट से छोटे छोटे मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है कई। अभी तो भाई पता ही नहीं कितनी दूर है। पापा बोल रहे देखो ऐसे साइड साइड में जंगल में रास्ते जा रहे हैं। कहाँ आ गए हम लोग, फोर्ट ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। बहुत लंबा फोर्ट है, इसके लिए बहुत लंबा छोड़ा। सामने मंदिर तक तो पहुँच ही गए हम लोग। व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ से चारों तरफ का। बंदरों से सावधान, हर जगह बंदर हैं। देखो कितनी भीड़ लगा के बैठे हैं, सब बिल्कुल मस्त तरीके से खा रहे हैं बैठे बैठे। आगे देखो पूरी भीड़ लगी हुई है, रोड ही रोक रखा है। ये मंदिर है सामने, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं गणेश जी महाराज के। प्रसाद ले लिया है और अब बस चलते हैं हम लोग। किधर से चलना है, इधर हो क्यों, ये इधर आ जाओ। तो फिर हम लोग मंदिर के अंदर चले गए और मंदिर के अंदर शूटिंग करना मना था। वैसे तो काफ़ी लोग कर रहे थे पर फिर भी मैंने नहीं करना ही ठीक समझा। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने बहुत आराम से दर्शन किए और रणथंभौर के गणेश जी महाराज के में पहली बार बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे। पति बाबा के दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सबने दर्शन कर लिए हैं। आज बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिन, मैं तो फर्स्ट टाइम, पापा थर्ड टाइम आ रहे हैं, हम बाकी सब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सपना सेकेंड टाइम आ रही है। दर्शन बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा, मतलब लोकेशन पे मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है पूरे ऑल ओवर द इंडिया ने और द वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो आप लोग को यहाँ आना चाहिए, अगर आप राजस्थान में आते हो तो ज़रूर आएँ। कितना अच्छा है वहाँ पे, वो एकदम प्लेन ग्रीन ग्रीन है और फिर वो पहाड़ के वहाँ एकदम साफ बीच में ग्रीन ग्रीन से जो पैच है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ पे घर बना लो छोटा सा, जब भी रणथंभौर आओ वहाँ पे जाएंगे दो दिन। वाह, तो प्राइवेट रिजॉर्ट खोल ले, सही मतलब नहीं प्राइवेट ही खोलना पर खुद के लिए और किसी के लिए नहीं। जबट्टा मार के चला गया आराम से, कोई समस्या नहीं है उसको। ये देखो वो तो आपस में कंपटीशन चल रहा है। अरे कर दे देख देख इसको, देख कितने आराम से खा रहा है। ये देखो रियो, हाँ वो तो रुको, बहुत गुड़िया का हाथ पकड़ के खा रहा है। तू पटक दे आ जा एक ही पूरा ही खा लेगा वो। गणेश नहीं आ जा, मजे आ गए। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ाना यार, तो प्यारा लगा। वो बहुत आ रहे हैं तो छोड़ भागे, अब ये छोड़ दे, आ जा आ जा। सो गाइस वापस लौट दिए हैं, चल रहे हैं वापस से पार्किंग की तरफ पूरे फोर्ट के रास्ते होते हुए। नज़ारे तो चारों तरफ बढ़िया है, कहाँ कहाँ रुकें, टाइम भी हो रहा है, वैसे भी दो बज चुके हैं, घर भी पहुँचना है टाइम से, शाम को समय आएगी, सही टाइम तक पहुँच जाए तो बढ़िया रहेगा। गुड़िया को बहुत मज़ा आया, बंदरों के साथ बहुत मज़े लिए, देखा होगा अभी। मुझे इतने प्यारे बंदर कभी नहीं लगे। प्यारे बंदर हाथ पकड़ के बकायदा। पता है इधर कोने में ना हल्का सा वो चना फंस गया था, वो भी उसने ऐसे पकड़ के हाथ ऐसे निकाल लिया प्यार से, तकलीफ देकर नहीं, प्यार से एकदम। इतने सॉफ्ट हाथ था उसका यार, मेरे को लगा ही नहीं बंदर का हाथ इतना सॉफ्ट हो सकता है। और उसके हमने नजर पड़ी, ये है जोगी महल, जो मेन महल है ना रणथंभौर का, जोगी महल। अब देखने का टाइम नहीं है, निकलना पड़ेगा।
काफी अच्छी गार्डनिंग हो रही है चारों तरफ से। लोग यहाँ पर पिकनिक भी खुद की वही पिकनिक मना रहे हैं। ये देखो ट्री और ऊपर इसके ये कमल के फूल पर कलश और नारियल। ये 32 खंभों की छतरी जहाँ से डाइवर्ट हुए थे हम लोग एक्चुअली। हाँ ये छोटा है, हमने वो काफी लंबा था इसके मुकाबले। हम लोग एक्चुअली नीचे से यूँ चले गए थे दरगाह से। तो ये है द फेमस 32 खंभों की छतरी। 32 खंभे हैं, 32 पिलर्स। और ये देखो दरवाजे पे बंदर ने रोक लिया पापा को। पापा ने अचने फेरा दी। ये है एक्चुअल में जोगी महल जो मैं दिखा रहा था पहले आपको। कहाँ गाड़ी दिख रही है? दिख रही गाड़ी नीचे? अच्छा नीचे खड़ी पार्क है, पार्क की भी गाड़ी दिख रही होंगी। बीच जंगल में ही हमने देखा है यहीं खा लेते हैं, ज़्यादा सही है, व्यू भी सही है, आसपास एनवायरनमेंट भी सही है और खाना खा लेते। अरे कहाँ उतर गए नरक, अंदर बैठ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकलने मतलब जस्ट थोड़ा सा बाकी रह गया रास्ता, परंतु जाम में फंस गए हैं। आज ये भीड़ बहुत ज़बरदस्त है ना, इसके वीकेंड छुट्टी का दिन। घर पहुँच गए, बाय बाय, गुड नाइट, थक गए हम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। थक गए यार, शाम भी 7 बज गए, सुबह की निकले।